कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज 28 सितंबर 2020 है। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था, 28 सितंबर 1907 में। उन्होंने जब इंकलाब जिंदाबाद बोलना शुरू किया था तो पूरा का पूरा अंग्रेजी शासन का असेंबली हिला दिया था और 116 दिन तक लगातार भूख हड़ताल किया, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन जो थी वो भारतीय कैदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। उनके दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने 116 दिन तक जेल में भूख हड़ताल किया था। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और हम सब के लिए उन्होंने अपने जान का हंसते हंसते त्याग किया। चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो अभी तक नहीं किए हैं और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जो पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ थे, डेमोक्रेसी के जो चौथे स्तंभ यानी लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं, वो इस तरीके से गाड़ियों का पीछा करने लगे हैं। भाई मुझे तो ये देख के वीडियो लग रहा था कि जैसे मानो कि लोग जो है विजय माल्या का पीछा कर रहे हैं, वो भी शक के आधार पे। आप लोग वीडियो में साफ इन दीदी का बात आप लोग सुन सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये इस बात को लेकर के पूरी तरीके से सहमत हैं कि ये गाड़ी दीपिका पादुकोण की है। देखिए मेरी गाड़ी के दो गाड़ी किस तरीके से दीदी कन्फ्यूजन में दौड़ा के लोगों को पकड़ रही हैं। जब हमको बात करने की आवश्यकता थी किसानों की, किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, भारत बंदी का ऐलान कर दिया था, रेलवे ट्रैक पे पूरा कब्जा जमा लिया था। आप लोग जो है कुछ फोटो जरूर सोशल मीडिया पे देखे होंगे और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि राष्ट्रपति कोविंद जी ने कृषि विधेयक बिल को अनुमति दे दी है, उन्होंने उस पे अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी से भी छेड़खानी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसकी फोटो जो है पेज चौराहे पे भी शहर में लगेगी। इससे तो कुछ लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। योगी जी का जो ऐलान था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगली खबर आप लोग व्हाट्सएप से सुन लीजिए। व्हाट्सएप जो अपनी प्राइवेसी का बहुत बड़ा दावा करता है कि सबसे ज्यादा सिक्योर अगर जो कुछ है तो व्हाट्सएप के मैसेजेस, लेकिन एनसीबी के खुलासे में व्हाट्सएप की धज्जियां उड़ गई। व्हाट्सएप ने जो है एक नया मैसेंजर लाया है, व्हाट्सएप बीटा वर्जन का एक नया अपडेट आ रहा है जिसका नाम व्हाट्सएप एक्सपायर मीडिया रखा गया है। यानी आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि कैसे आप मैसेज पढ़ने के बाद वहाँ एक अलग से बटन दिया जाएगा, उस बटन के जरिए आप उसको मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, वो मैसेज डिलीट हो जाएगा, अब वहाँ कुछ भी मतलब रह नहीं जाएगा। ये एक नया अपडेट व्हाट्सएप लेके आ रहा है। अगली खबर सुन लीजिए कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया MI 10T भारत में जल्दी ही लॉन्च होगा, लेकिन इसके साथ स्नैपड्रैगन का सबसे नया प्रोसेसर लॉन्च होगा, स्नैपड्रैगन 750G जो कि स्नैपड्रैगन 730G से नया है और इसकी अपेक्षा इसमें बताया जा रहा है कि 20% की सुधार की गई है और इसकी स्पीड जो है वो 10% की ज्यादा की गई है और इसमें बताया जा रहा है 48 मेगापिक्सल कैमरा होगा जो कि मेरे हिसाब से बेहतर है और फुल HD प्लस का इसमें डिस्प्ले दिया गया है और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी जाएगी आप लोगों को। 32 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि जो मोबाइल मार्केट है उस पे अधिकतर कब्जा MI रियलमी का रहा है, लेकिन आप लोगों को याद होगा शायद जब जियो मार्केट में आया तो अच्छे अच्छे मोबाइल कंपनियों की उसने छुट्टी कर दी और सस्ते स्मार्टफोन के साथ वो लोगों को बहुत अच्छी सुविधा दिलाया, एंड्रॉइड का जो है लोगों को लाभ मिला और लोग ज्यादातर स्मार्टफोन की तरफ कनेक्ट हो पाए। उसी तरीके से वो एक नया फोन ले आने वाला है जिसको गूगल और जियो मिलकर लॉन्च करेंगे और बताया जा रहा है कि वो 4,000 से 5,000 के बीच में वो फोन होगा, जो कि अच्छी अच्छी कंपनियां जो 10,000 के फोन में जो स्पेक्स और जो खासियत नहीं प्रोवाइड करवा पाती है, नहीं दे पाती है, वो चीज जियो आप लोगों को 4,000 से 5,000 रुपए में प्रोवाइड करेगा। आप लोग सोच सकते हैं जब एक बार जियो किसी के कंपटीशन में उतर जाए तो उसके सामने टिक पाना भाई मुश्किल बात है। तो आप लोग जो फोन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन वेट कर सकते हैं, दिसंबर के लास्ट तक में भी आने के चांसेस। गूगल ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जो कोविड-19 से हॉटस्पॉट किए गए क्षेत्र हैं
उसमें एक नया प्रत कोविड 19 के जो क्षेत्र है उसको आप गूगल पे देख सकते हैं। गूगल आपको बता देगा कि ये क्षेत्र कोविड 19 के द्वारा जो है कोविड 19 में हॉटस्पॉट किए गए हुए हैं। अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।